हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ इतर गोस्वामी फ्रॉम मां आशापुरा विद्या संकुल। टुडे वी बिगन स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी एंड आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। यह जो चैप्टर है इसका आधा जो पार्ट है मैंने आगे के वीडियो में आपको कराया था, जिसके कवि कौन है तो मोहन राकेश जी, जिनका जन्म सन 1925 में और उनकी निधन है वह 1972 में हुई। अब मैंने आपको बताया था गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, गुलमर्ग कहाँ है तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यह परिवेश में लिया गया है। यह भूटान गुलमर्ग का जो प्राचीन जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनके यहाँ पे चर्चाएं की गई है, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। जिस तरह से लेखक ने यहाँ पे गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया नहीं जाता, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं वो पहला क्या था, तो पहला मुद्दा हमारा था पहली मुलाकात। जब पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को यह कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था, क्यों? बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों की बड़ी बड़ी झुरझर। अब यहाँ पे यह जो उनका पहला हेडिंग था, उसके बाद सेकंड था महीनों वहाँ रहने के बाद। जो लेखक हैं पहली बार तो वहाँ पे गए तो कुछ भी उन्हें ऐसा कुछ नया नहीं लगा, पर दूसरी बार वहाँ जाते हैं महीनों तक उन्हें वहाँ रहने के लिए मौका मिलता है तो क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद गुलमर्ग है वह लेखक की आत्मीयता हो गई थी, उनसे उसे जुड़ने के लिए आत्मीयता हो गई थी, जिसके कारण क्या होता है उनके प्राकृतिक दृश्य हैं वह उनके मन में बस जाते हैं, वहाँ की हवाएं वहाँ की लहरें वह सब कुछ उन्हें अपने आप में जैसे उनके लिए ही बनी हो वैसा लगता है। और हमने देखा था कि गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा कैसी है, तो गुलमर्ग की हरियाली और भरमार है, उनके यहाँ नीचे हरी घास है, लाल लाल छतरी पे छतों के ऊपर हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। वैसे यहाँ पे गुलमर्ग की शोभा बताते हुए कवि श्री ने यहाँ पे बताया है। इसी तरह गुलमर्ग की शाम, तो गुलमर्ग की शाम कैसी होती है, तो गुलमर्ग की शाम है शाम होते होते गुलमर्ग में जो सैलानी घूमने आते हैं वह जाने लगते हैं, तो तरह तरह से वस्त्र पहने लोग जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? जब शाम होने लगती है तभी वहाँ पे झिनी झिनी जो बर्फ है वह गिरने लगती है, तब सैलानी है वह अपने घर की ओर जाने लगते हैं। पर लेखक को हमारे यह अच्छा लगता है जैसे बूंद में पगडंडियाँ पतली पतली बांहों जैसी दिखाई देती है। फिर लाइन है कि दिन में सूर्योदय होने पर, जब रात कैसी थी शाम कैसी थी उनका उन्होंने यहाँ पे बताया, दिन में सूर्योदय होने पर उन्हें कैसा लगता है, तो दिन में जब सूर्योदय होता है तो जब सूरज निकलता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है, आकाश में बादल शेर करते नजर आते हैं, भेड़ों और बकरियों की रेवड़ों को पगडंडियाँ भर जाती है, रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। ठीक है, जब रात वो पूरी होके सुबह आती है तब वापस से वही सूरज है वह जैसे घूमने आया हो वैसे बनता है, बादल भी जैसे घूम रहे हैं, बकरियाँ भेड़ वह हरी हरी जो घास है उसे खा रहे हैं और जो मानवी हैं वह अपना कार्य करने लगते हैं। उसके बाद की लाइन देखिए, एक रात का अविस्मरणीय अनुभव। अब हम यहाँ तक करें कि गुलमर्ग की रात कभी कभी नहीं हुए, मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ आ रही थी, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे तक और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना, घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए पर इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा हुआ बुला रहा था कि आ तू यहाँ पे आ। अब रात के समय में क्या होता है, जो कवि श्री हैं लेखक श्री हैं उन्हें रात का समय में जब बरसाती घटा है वह उनकी ओर आती है, तो वह उसे जैसे बुला रहे हैं अपनी ओर, वैसे यहाँ पे बात है। नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 32 में आगे हम देखें तो
कमजोर नहीं, हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठ रहा था, लेकिन बार बार शोर की गरज होती ही जिससे धरती पर आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का यह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं वही फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। और जिस तरह से बादलों का बरसात का यहाँ पे लेखक श्री ने वर्णन किया है, क्या कह रहे हैं कि लेखक को हैरानी होती है कि होटल में वह खिड़की में खड़े थे, फिर क्या होता है कि लेखक चाहते हैं कि घटा उस पर पहुँच कर उसे अपने अपने लपेट ले। आगे हम देखें तो तूफान जैसे हवा के तूफानी बिजलियां जैसे ऊपर गिर उठेंगी, वैसा उन्हें लगता है। आगे हम लाइन देखें जिसमें है कि एक रात का अविस्मरणीय अनुभव और अपना अपना आकर्षण, यह दो मुद्दे हैं वह हमने आज किए। जैसे कि पहला मुद्दा मैंने आपको कराया, एक रात का जिससे उन्हें अनुभव होता है वह यहाँ पे बताया, किस तरह से बरसात के बादल उसपे जैसे वह उसपे गिराना ही चाहते हैं वैसा वर्णन किया है, अपना अपना आकर्षण। नेक्स्ट पेज में हम देखे गए हैं मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिटक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे गिरना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो लेखक श्री है वह अपने आप को पहले उसकी भांति बनाना चाहते थे, बादल बिजली मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं उसी की तरह ही हूँ। पर क्या होता है, जैसे कि तूफान आने वाला था और थोड़ी ही देर में वह तूफान है चला जाता है। लास्ट पैराग्राफ है यह, वे ऐसे क्षण में थे जो जीवन में दो एक बार भी आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रहने चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? अब यहाँ पे कवि श्री कह रहे हैं कि वैसे तो कोई सी जगह है ऐसी जहाँ पे हमारा मन लगा रहे, पर गुलमर्ग में ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ खुला मैदान है और वो किस लिए है, सिर्फ गोल्फ खेलने में ही यूज होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कोई जगह से हमें लगाव हो जाता है तो किसी ना किसी रूप में हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेखक ने कहा कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ पे खींच ही लाता है, लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं। डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर आज क्लोज होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे, समानार्थी शब्द लिखे हैं, एहसास यानी कि अनुभव, पेपर यानी कि असहाय, द्वीप यानी कि टापू, वाचक इसका जो समानार्थी शब्द है वह होगा मुखर, सहसा तो यानी कि अचानक। अब आपको आपकी नोटबुक में मैंने आपको पहले ही बताया है कि तो हरेक पेज की नोटबुक बनानी है जिसमें यह चैप्टर आज क्लोज होता है, तो हमें एक्सरसाइज लिखनी है अपनी नोटबुक में। यह स्वाध्याय लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो एक एक वाक्य में उत्तर लिखें। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, दो दो वाक्य में उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए और क्वेश्चन नंबर 4 है पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बस यह जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 व्याकरण